बढ़ते आगे रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बजट प्रस्ताव पर होगी विभाग अध्यक्ष स्तरीय चर्चा। 21 नवंबर से विभाग अध्यक्ष स्तरीय चर्चा का आयोजन किया जा रहा है, 30 नवंबर तक चलेगा बैठकों का दौर। बता दें, प्राथमिकता से आधार पर सूचीबद्ध की जाएगी योजनाएं, वित्तीय वर्ष 2024-25 का खाका तैयार होगा। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया जो कि 30 नवंबर तक चलने वाली है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 का खाका इस बैठक में तैयार किया जाएगा। ये बैठक कब से शुरू होगी और कौन कौन इस बैठक में शिरकत करेगा? बिल्कुल, देखिए, सभी विभागों से ये जो विभागीय बैठक है वो बुलाई गई है और सभी विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो इसमें जो है वो शामिल होंगे और नया रायपुर के इंद्रावती भवन में ये जो बैठक है वो होनी है और सभी विभागों से जो खाका तैयार जो है वो किया जाएगा 2024 और 25 के लिए। एक अनुमानित बजट जो है यहाँ पर तैयार किया गया है और किस तरीके से किस विभाग में कितनी राशि जो है वो दी जानी है, इसी का एक मोटा मोटा जो है वो खाका तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब जो है चुनाव हो चुके हैं और 3 दिसंबर को ही जो है अब नई सरकार बनने जाएगी। सरकार बनने के बाद जो है इस पूरे विभाग का जो खाका तैयार रहेगा उस पर जो है वो नई सरकार मुहर लगाएगी। तो फिलहाल अभी जो ये बैठक है वो 30 नवंबर तक जो है वो चलेगी और पिछले साल का जो बजट था उस पर जो है वो चर्चा की जाएगी। उसकी समीक्षा के तौर पर आने वाले समय में जो भी सरकार की घोषणाएं हैं उससे जोड़कर जो है एक नया खाका यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर के आज से ही जो है इस बैठक की शुरुआत होने जा रही है और 30 नवंबर तक ये बैठक होगी। तमाम विभागों के जो विभाग अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल होंगे। अभी लगातार जो है वो आचार संहिता लगी हुई थी, जिसके कारण सारे विभाग के काम भी ठप थे और उसके बाद तमाम जो कर्मचारियों हैं उनकी भी ड्यूटी जो है चुनाव ड्यूटी में लगी थी। तो इस तरह से अब जो है सारी छुट्टियाँ यहाँ पर मुक्त हो गए हैं, तो अब से विभाग के जो कामकाज हैं वो भी यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। तो ये 30 नवंबर तक जो है वो बैठक चलेगी और फिलहाल खाका तैयार किया जाएगा और सरकार आने के बाद इस पर जो है वो मुहर लगेगी। जी नेहा, देखिए, यहाँ पर पिछले बजट का आकलन इस बैठक में किया जाएगा, लेकिन क्या जब ये बैठक की जाएगी क्या कुछ खाका पिछले बजट का जो खाका तैयार किया गया था उससे कुछ अलग होने वाला है या फिर सेम ही रहेगा? बिल्कुल, देखिए, ये तो कैसा बजट होगा ये पूरी तरह से देखने वाली बात होगी। ये जो बैठक है वो विभाग के अध्यक्ष अपने स्तर पर पिछले साल के अनुमानित बजट के समीक्षा के तौर पर आने वाले समय में जो है वो इसके नया खाका जो है वो तैयार करते हैं। तो ये पूरी तरह से अनुमानित होगा, लेकिन जो पूरी घोषणाएं हैं जो सरकार की, जो भी सरकार आती है उनकी घोषणाओं के आधार पर जो है इस पूरे खाका को फिर एक मूर्त रूप दिया जाएगा और फिर एक नया रूप जो है वो इसे कहा जा सकता है कि 2024 और 25 का जो बजट होगा वो पूरी तरह से नया बजट होगा। कि किस आधार पर? क्योंकि आने वाले समय में सरकार ने सर्वे की भी बात कही है, तो निश्चित ही जनसंख्या के आधार पर भी इस पूरे जो है वो बजट को देखा जाएगा। तो ये पूरी तरह से नया बजट है ये माना जा सकता है। जी बिल्कुल, घोषणाओं के आधार पर भी खाका तैयार किया जा सकता है। नेहा हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर जानकारी ली जाएगी। इसी बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आज से कलेक्ट्रेट और तहसील के कामकाज में तेजी आएगी। महीने भर से चुनाव की वजह से कामकाज प्रभावित हो रहा था। जिले में राजस्व संबंधी हजारों मामले लंबे थे, अधिकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी से फ्री हो गए हैं। इसी बीच मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, जिले में राजस्व संबंधी हजारों मामले लंबित थे, अधिकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी से फ्री हो गए हैं, कितनी तेजी आएगी कामकाज में? नेहा, मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, कलेक्ट्रेट में सारे कामकाज जो है वो अभी आचार संहिता लगी हुई थी, जिसके कारण ठप थे और उसके बाद जो है कर्मचारियों की जो ड्यूटी है वो चुनाव में लगा दी गई थी। तो कितनी तेजी आएगी ये कर्मचारियों के कामकाज पर डिपेंड करता है, क्योंकि कलेक्ट्रेट में काफ़ी मामले पहले भी पेंडिंग होते थे जब आचार संहिता नहीं लगी थी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो राजस्व संबंधित मामले हैं।
जमीन की खरीदी बिक्री को लेकर के ये तमाम जो मामले हैं वो सबसे ज्यादा पेंडिंग पहले भी थे, और आचार संहिता लग जाने और चुनाव ड्यूटी में कर्मचारियों की ड्यूटी होने के कारण जो है ये मामले और बढ़ गए हैं। तो फिलहाल आज से सारे कामकाज जो है वो फिर से शुरू हो रहे हैं, छुट्टियां सबकी जो है वो ठप हो चुकी हैं और अब जो है कर्मचारी कामकाज पर लौटेंगे। और उसी तरीके से अब आने वाले समय में चूंकि नई भी सरकार बनेगी तो उसके पहले पहले भी जो पुराने जो काफ़ी पुराने मामले हैं उनको जो है सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और उन मामलों को जो है वो निराकार किया जाएगा। तो न केवल रायपुर जिला बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज से कलेक्ट्रेट के जो कामकाज हैं वो अब शुरू हो जाएंगे और आचार संहिता भी अब जो है वो खत्म हो चुका है, छत्तीसगढ़ में चुनाव भी हो चुका है, तो निश्चित ही इन सब कामों में अब जो है कर्मचारी तेजी से करेंगे जिससे जो पेंडिंग देखिए कामकाज में तेजी लाई जा सके। क्या इसके लिए समय भी बढ़ाया गया है कामकाज को लेकर, क्योंकि पहले भी काम पेंडिंग पड़े हैं और नए काम भी जाहिर सी बातें सामने आएंगे, क्या कुछ समय को बढ़ाया गया है जिससे कि कर्मचारी जल्द से जल्द पेंडिंग मामलों को सुलझा सके? नहीं बिल्कुल, देखिए शासन की तरफ से तो इस तरीके की कोई गाइडलाइन नहीं है कि समय को बढ़ाया गया है, बल्कि जो पुराना समय है शनिवार रविवार की जो छुट्टी है वो और 8 घंटे की ड्यूटी, ये यही जो ड्यूटी टाइम है वो उसी टाइम में जो है इनको काम पेंडिंग काम को भी जो है वो पूरा करना है। और पेंडिंग ये यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो काफ़ी पुराने मामले हैं जो आचार संहिता के पहले के भी रहे हों और काफ़ी पहले के जो मामले हों उन्हें प्राथमिकता के तौर पर कर्मचारियों को जल्द से जल्द करने का आदेश जो है वो प्रशासन की तरफ से दिया गया है, लेकिन समय को लेकर के यहाँ पर कोई बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। यही देखने वाली बात है, 8 घंटे के समय के अंदर ये सभी काम जो है वो निपटाने होंगे और पुराने पेंडिंग मामले जो पड़े हैं उनको पहले प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए।